लिए अब यहाँ राज्यसभा में, अब यहाँ राज्यसभा में बने रहने का कोई खास औचित्य नहीं रहा, लेकिन इसके साथ साथ उसी दिन मैंने ये भी फैसला लिया था, जिस दिन मैंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया था तो उसी दिन मैंने एक ये भी फैसला लिया था कि अब मुझे पूरे देश भर में एक ध्यान होकर यहाँ सब समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों आदि इन सभी लोगों को बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली के बारे में इन्हें जागरूक तैयार करके फिर इनके जरिए यहाँ सभी जातिवादी संकीर्ण संप्रदाय व पूंजीवादी पार्टियों को केंद्र व राज्यों की सत्ता में आने से रोकना होगा।